सो हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल में। एंड गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक न्यू थीम के बारे में। एंड आपने इसका इंट्रो स्टार्टिंग में देख लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंट्रो है। एंड जो थीम है पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो आज की वीडियो को देखते रहो क्योंकि इस थीम के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत पहले से रिक्वेस्ट करी थी। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है, जिस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस थीम को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड साथ ही साथ में 5 मिनट ट्रायल को हटा सकते हो। एंड जो थीम है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, कलर वाइज 5 वालों के लिए भी, 6 वालों के लिए भी और 7 वालों के लिए सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये थीम आप ओप्पो एंड रियलमी किसी भी फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से एंड तक एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो ये थीम है पासवर्ड लगी हुई इस थीम के अंदर, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और वीडियो में मैं कहीं पे लिख दूंगा पासवर्ड, तो आपको उसी पासवर्ड को डाल के इस थीम को अनलॉक करना है। ये फाइल जिस फाइल में होने वाली है, तो सबसे पहले आपको इस थीम को डाउनलोड कर लेना है, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड उसका पासवर्ड मैं आगे दूंगा, कहीं भी वीडियो के अंदर मैं दे सकता हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहो। तो चलो हम इस थीम को डाउनलोड कर लेते हैं और आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये थीम है जिसका नाम है कलर ओएस रिवॉल्यूशन। अब मैं बता दूँ, इस थीम का ऑनर मैं नहीं हूँ, जिसने भी इस थीम को बनाई है मनोज वाइट उसका नाम है। तो उसकी चैनल की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उनके चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। अब देखो साइज इसका 69.7 MB का है, मतलब ऑलमोस्ट ये 70 MB का देखने को मिल जाता है आपको। तो जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे बाय का ऑप्शन है एंड ट्राई मी का ऑप्शन है। एंड बाय द वे यहाँ पे आपको कुछ इंटरफेसेस देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसी थीम देखने को मिलने वाली है। एंड पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग थीम लगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर दे दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो चलो जल्दी से ट्राई मी के ऊपर क्लिक करते हैं एंड इसे अप्लाई कर देते हैं। सो फाइनली हमारी थीम यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ पहला इंटरफेस देख सकते हैं, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और ये है स्टॉक एंड्रॉइड से मिला हुआ। एंड प्लस में कुछ आपको अलग ही एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है एंड कुछ कुछ आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा देखने को मिलेगा इसका कुछ लुक, तो आप देख सकते हैं। एंड ऊपर आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड नोटिफिकेशन पैनल है। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आप कलर वाइज 5 या फिर 6 यूज़ करते हैं, मे बी आपको ये नोटिफिकेशन पैनल देखने को ना मिले। उसके अलावा मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। अब देखो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे सेटिंग के आइकन की जगह यहाँ पर आपको एंड्रॉइड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी इस थीम के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, और जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन के मतलब जो आइकन्स है देख सकते हैं वो ब्लू कलर में देखने को मिल जाते हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छा लुक देता है इस थीम को। अब यहाँ पे हम बात करें और चीज़ों के बारे में, जैसे इसके कुछ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे अपना वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं, जो कि इस थीम के अंदर कुछ अच्छे स्पेशल फीचर डाले हुए हैं, जिसकी वजह से जो इसका साइज़ है बहुत बड़ा साइज़ है। तो जिन्होंने भी इस थीम को बनाई है, मतलब बहुत ही अच्छी थीम बनाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका कुछ लॉक स्क्रीन कैसी देखने को आपको मिल जाती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, जो कि मेरे फ़ोन का है। अब देखो नीचे भी एक और देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक आपको बिना फिंगरप्रिंट वाली भी थीम देखने को मिल जाएगी, और फिंगरप्रिंट के साथ वाली भी देखने को मिल जाएगी। जो भी आपको डाउनलोड करना है वही वाला आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखो मेरे तो ऑलरेडी यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, तो इसकी कोई मुझे जरूरत नहीं है। तो बाय द वे आप लगा सकते हो, क्योंकि ये अच्छा लुक हमें दे देता है। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको एक विजेट देखने को मिल जाएगा, जो कि क्लॉक का विजेट है। एंड इसका जो फॉन्ट स्टाइल है बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे पर्सनली। अब देखो इसे हम अनलॉक करते हैं एंड अंदर का कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। एंड बाय द वे इसका जो लुक है ओवरऑल बहुत अच्छे देखने को मिल जाता है। आप इसे लगा सकते हैं, किसी फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो, अपने रियलमी के, ओप्पो के एंड इन्हीं फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो। और बाकी मैं आपको फाइल दे दूंगा नीचे, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन बटन देखने को मिल जाते हैं, जो कि वन स्टॉक एंड्रॉइड वाले यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ यही ये थीम थी। अब मैंने आपको पासवर्ड दे दिया वीडियो के अंदर, कहीं भी आपको देख लेना है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, एंड टिल देन गुड बाय।